दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये जो लाल वाला बटन है उसे दबा दो और उसके बाजू वाला बेल आइकन है उसे भी क्लिक करो। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो, बिल्कुल फ्री है तो जल्दी से कर दो यारो। क्या आप अपनी क्लासमेट को चैटिंग पर इंप्रेस करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी क्लासमेट को चैटिंग पर इंप्रेस कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। Hey guys, what's up? It's me Heavillin, welcome back to my channel. I hope आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों अगर आपने मुझे अभी तक Instagram और Facebook पर फॉलो नहीं किया है तो ये रहा मेरा सोशल मीडिया हैंडल और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ और मुझे फॉलो करो। दोस्तों ये है हमारी एक नई चैटिंग सीरीज जो आप सबने बहुत रिक्वेस्ट की थी। इस चैटिंग सीरीज में आपको बताऊंगा कि आप अपनी क्लासमेट को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लड़की मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ती है, तो एक दो बार उसके साथ मैंने फेस टू फेस अच्छे से बातें की और सामने से उसको मैंने नंबर के लिए पूछ लिया और उसने मुझे अपना नंबर दे दिया। फिर उसको मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, हे मुझे लगा नहीं था तुम मुझे अपना नंबर दोगी। तो उसने कहा तुमने अच्छे से नंबर मांगा और तुम डिसेंट लड़के लगते हो तो दे दिया। तो मैंने उसे रिप्लाई किया, तुम भी मुझे काफी डिसेंट लगी इसलिए मैंने खुद सामने से नंबर मांग लिया, नहीं तो मैं किसी से नंबर नहीं मांगता। तो उसने कहा अच्छी बात है। तो मैंने उसे रिप्लाई किया, सो कल के टेस्ट के लिए स्टडी हो गई? तो उसने रिप्लाई किया, हाँ बहुत पढ़ लिया, कल टेस्ट अच्छा जाए बस। तो मैंने उसे रिप्लाई किया, मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक विश करूंगा तो अच्छा ही जाएगा। तो उसने कहा तो तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम्हारे बेस्ट ऑफ लक से मेरा टेस्ट अच्छा जाएगा? तो मैंने उसे रिप्लाई किया, हाँ मैं जिसे भी बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ उसका टेस्ट अच्छा जाता है। तो उसने कहा अच्छा देखते हैं फिर। तो मैंने उसे रिप्लाई किया, हाँ जी भर के देख लो। तो वो हंसने लगी। तो मैंने उसे रिप्लाई किया, क्या कर रही हो? तो उसने कहा कुछ नहीं। तो मैंने उसे रिप्लाई किया, ओ मीन्स कि तुम इस टाइम फ्री रहती हो? हाँ ज़्यादातर तो फ्री रहती हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने उसे रिप्लाई किया, छोटा भीम देख रहा हूँ। तो उसने कहा इतने बड़े हो गए हो फिर भी कार्टून देखते हो? तो मैंने उसे रिप्लाई किया, क्या करूँ दिल तो बच्चा है जी। तो उसने कहा मैं तो कार्टून नहीं देखती। तो मैंने उसे रिप्लाई किया, हाँ क्यों देखोगी, तुम तो ज़रूर सास बहू वाले सीरियल्स देखती होगी। तो उसने कहा घर वाले देखते हैं तो देखना पड़ता है। तो मैंने उसे रिप्लाई किया, अच्छा तो फिर तुम्हें क्या देखना पसंद है? तो उसने कहा बिग बॉस। तो मैंने उसे रिप्लाई किया, बिग बॉस बहुत बोर है यार। तो उसने कहा तुमने देखा कहाँ है, कितना मस्त शो है, तुम्हें नहीं पता? तो मैंने उसे रिप्लाई किया, तुम्हें पता है बिग बॉस वही लोग देखते हैं जो जेसीबी को रस्ते पर कचरा साफ करते हुए देखते हैं। तो उसने कहा कुछ भी हाँ, कहा का लॉजिक कहाँ लगा रहे हो? तो मैंने उसे रिप्लाई किया, कहीं का नहीं सही का सही लॉजिक लगा रहा हूँ। तो उसने कहा कुछ भी बातें बना लेते हो तुम। तो मैंने उसे रिप्लाई किया, मैं बातों के अलावा और भी बहुत कुछ बना लेता हूँ। तो उसने कहा ओह जैसे कि? तो मैंने उसे रिप्लाई किया, मैगी बना लेता हूँ लेकिन वो भी लिस्ट से निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो शायद बैन होने वाली है। तो उसने कहा हाँ और क्या बना लेते हो? तो मैंने उसे रिप्लाई किया, चाय बना लेता हूँ, सोच रहा हूँ कि कॉलेज के बाद चाय की दुकान खोल लूँ और फिर नरेंद्र मोदी की तरह प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। तो वो हंसने लगी और उसने कहा इतने सपने मत देखो। तो मैंने उसे रिप्लाई किया, सपने पूरे करने के लिए भी सपने देखने पड़ते हैं। तो उसने कहा पॉइंट है, वैसे और क्या बनाते हो? तो मैंने उसे रिप्लाई किया, कल कॉलेज में बताता हूँ। तो उसने कहा ओके। तो मैंने उसे रिप्लाई किया, ओके फिर बाय, छोटा भीम का नया एपिसोड आया है। तो वो हंसने लगे, उसने कहा बाय। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी चैटिंग खत्म हुई। मैंने ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि मुझे ज़्यादा बात फेस टू फेस करनी थी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करो जिससे कि वो भी अपने क्लासमेट को इम्प्रेस कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एज ऑलवेज बी स्टाइलिश, स्टे कूल, हैस्ता ला वीस्ता।